हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जुडिशियल एग्जामिनेशन। आई एम डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द चैप्टर ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंकैलिटी, इन विच वी विल डिस्कस द पर्टिकुलर कंसेप्ट दैट इज अनलॉफुल असेंबली, दैट इज सेक्शन 141 टू सेक्शन 145 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। सो वी विल डिस्कस ऑल द कंसेप्ट, हु कैन बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, विच असेंबली मे बी टर्म्ड एज अनलॉफुल असेंबली, ऑल द कंसेप्ट, व्हाट एग्जैक्टली द पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल असेंबली बींग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज देयर। वी विल डिस्कस ऑल द कंसेप्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 141 टू सेक्शन 145 पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अनलॉफुल असेंबली के लिए पनिशमेंट क्या है, कौन सा मेंबर अनलॉफुल असेंबली का मेंबर कहलाएगा, अनलॉफुल असेंबली मीन्स व्हाट, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इस पर पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Offences against the public trunkality, that is unlawful assembly. So section 141 deals with unlawful assembly. According to section 141, an assembly of 5 or more person is designated an unlawful assembly if the common object of the person composing that assembly is. So which assembly is an unlawful assembly? If the assembly is of 5 or more person, and if such assembly will be an unlawful assembly when the object, the common object of that particular person composing the assembly is, तो unlawful assembly कब होगी? अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर एक जगह जमा होते हैं एक common object के साथ, वो assemble होते हैं एक common object, वो common object क्या है, कब unlawful assembly होगी? The first is to overawe by criminal force or show of criminal force the central or any state government or parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of lawful power of such public servant. तो किसी central government के against में या state government के against में या parliament या legislature of any state और कोई public servant जो कि अपना lawful power exercise कर रहा है, वो public servant अगर उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल फोर्स यूज करने के लिए अगर कोई 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर असेंबल होते हैं, एक जगह जमा होते हैं, तो दैट पर्टिकुलर असेंबली विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं वो, या वो फोर्स यूज करने के लिए जमा होते हैं, या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में फोर्स यूज करने के लिए जमा होते हैं, तो वो 5 लोगों से ज्यादा की असेंबली अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। सेकंड वन इज टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस। इफ 5 or more persons असेंबल टूगेदर फॉर द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस। 5 से या 5 से ज्यादा लोग जमा होते हैं काय के लिए, कि अगर कोई लॉ का एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो लॉ के एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए, लीगल प्रोसेस को रोकने के लिए अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर जमा होते हैं एक साथ, तो वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। थर्डली टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। 5 या 5 से ज्यादा लोग जमा होते हैं एक जगह काय के लिए, टू कमिट एनी मिसचीफ, किसी का कोई नुकसान करने के लिए, या क्रिमिनल ट्रेस पास करने के लिए, किसी के प्रीमाइसिस में इलीगली घुसने के लिए जमा होते हैं, या और कोई ऑफेंस करने के लिए जमा होते हैं 5 या 5 से ज्यादा लोग, तो वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। फोर्थ, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ एनी राइट ऑफ वे और ऑफ द यूज ऑफ वाटर और अदर incorporeal right of which he is in possession of enjoyment or to enforce any right or supposed right. तो क्या होगा
कि अगर कोई पांच या पांच से ज़्यादा लोग अगर मिलकर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हैं, अगर वो फोर्स यूज़ करते हैं काय के लिए, किसके अगेंस्ट में, टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी पर्सन के प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं पांच या पांच से ज्यादा लोग, या किसी पर्सन का राइट ऑफ वे है, वो राइट ऑफ वे को वो इंजॉय कर रहा है, उसको डिप्राइव करने के लिए अगर क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं, या कोई इनकॉर्पोरियल राइट है जो वो पजेस कर रहा है या इंजॉय कर रहा है, वो इंजॉयमेंट से रोकने के लिए पर्सन को अगर क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं पांच या पांच से ज्यादा लोग, तो वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। तो दैट इज सेक्शन 141। अब फिफ्थ है, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेयर एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू। अगर पांच या पांच से ज्यादा लोग क्रिमिनल फोर्स यूज करके दबाव डाल के अगर किसी पर्सन को ऐसा एक्ट करने लगाते हैं जो वो नहीं करना चाहता है, जो वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, वो करने लगाते हैं पांच या पांच से ज्यादा लोग क्रिमिनल फोर्स यूज करके, या ऐसा एक्ट करने से रोकते हैं जो वो एक्ट करने का उसको राइट है लीगली, ऐसा एक्ट करने के लिए क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं जो वो बाउंड नहीं है करने के लिए, या ऐसा एक्ट करने से रोकते हैं जो वो करने के लिए बाउंड है, तो दोनों सिचुएशन में वो पर्सन अनलॉफुल असेंबली के लिए लायबल होंगे। एक्सप्लेनेशन इज देयर, एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंटली बिकम अनलॉफुल असेंबली। तो कोई असेंबली जब वो असेंबल हुए एक जगह, पांच या पांच से ज्यादा लोग जमा हुए, तब वो अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, लेकिन बाद में वो अनलॉफुल असेंबली हो सकती है, सब्सिक्वेंटली वो कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक पीसफुल एक मार्च निकाले, पांच या पांच से ज़्यादा लोगों ने असेंबली किए, लेकिन बीच में वो एकदम ज़्यादा क्या कहेंगे हम उसको, कि वो एरोगेंट हो गए और वो हेजिटेशन करने लगे, पथराव करने लगे, तो वो असेंबली बाद में चल के अनलॉफुल असेंबली हो जाएंगे। शुरुआत में तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, लेकिन बाद में वो सब्सिक्वेंटली इट में बिकम अ अनलॉफुल असेंबली। सो सेक्शन 141 पे महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, एन अनलॉफुल असेंबली रिक्वायर्स असेंबली ऑफ एटलीस्ट डैश डैश पर्सन विद कॉमन ऑब्जेक्ट। कितने पर्सन जरूरी है, 2, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर हमने सेक्शन 141 क्लियरली देखा, एन असेंबली ऑफ 5 or more persons इज डिजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असेंबली। तो कम से कम 5 लोग होना जरूरी है, करेक्ट आंसर इज 5। 2012 महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, अनलॉफुल असेंबली मीन्स एन असेंबली ऑफ 5 or more persons हैविंग डिजाइन अ कॉमन ऑब्जेक्ट, an assembly of 5 or more persons having common object to commit offense, an assembly of 3 or more persons having common object to commit mischief, none of the above। तो हमने अगर देखे तो यहाँ पर assembly of 5 or more persons with common object, so the option common object to commit an offense, तो common object है to commit an offense, option second is a correct answer। Now section 142, being a member of unlawful assembly, so whoever being aware of fact which render any assembly an unlawful assembly, intentionally joins that assembly or continues in it, is said to be a member of an unlawful assembly। तो कौन सा person unlawful assembly का member कहलाएगा, ऐसा person जो जिसको पता है कि assembly unlawful assembly है, ये पता होते हुए भी वो assembly को join करता है, तो वो assembly का member है, ऐसा कहलाया जाएगा और उसके लिए उसको पनिशमेंट होगी। ही मे बी कॉल्ड बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। और ऐसा पर्सन जो शुरुआत में तो असेंबली में था, बाद में वो अनलॉफुल असेंबली हो गई, और वो अनलॉफुल असेंबली होने के बाद भी वो असेंबली का पार्ट बना रहा, कंटिन्यू किया उसने, तो ऐसा पर्सन इज सेड टू बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर कहलाएगा। अब सेक्शन 142 पे probable question है, when person is liable for being a member of unlawful assembly, he is unaware about the fact which render an assembly an unlawful assembly, he is aware of fact which render any assembly an unlawful assembly, both of the above are correct, none of the above। तो कब member of unlawful assembly कहलाएगा वो, if being aware of fact which render an assembly an unlawful assembly, जब person को पता है
कि ये अनलॉफुल असेंबली है, तब वो अगर कंटिन्यू करता है अनलॉफुल असेंबली को तो वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर कहलाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, ही इज अवेयर ऑफ फैक्ट विच रेंडर एन असेंबली एन अनलॉफुल असेंबली. उसको पता है कि असेंबली अनलॉफुल असेंबली है, उसके बाद भी वो कंटिन्यू कर रहा है तो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर कहलाएगा. सेक्शन 143 में पनिशमेंट है अनलॉफुल असेंबली के लिए. सो हुएवर इज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और विद बोथ. तो ऐसा पर्सन जो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है तो वो मेंबर को पनिशमेंट होगी सेक्शन 143 में 6 महीने तक की सजा या फाइन या दोनों. सेक्शन 144, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म विथ डेडली वेपन. सो हुएवर बीइंग आर्म विथ एनी डेडली वेपन और विथ एनीथिंग विच यूज एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज डेथ इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली. तो ऐसा पर्सन ऐसी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है जिस जो के डेडली वेपन के साथ है, जिसके चलते वो डेडली वेपन से किसी पर्सन की जान भी जा सकती है. ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म विथ डेडली वेपन, ऐसी असेंबली जो डेडली वेपन के साथ जमा हुई एक जगह, ऐसी अनलॉफुल असेंबली का कोई पार्ट एंड पार्सल बनता है, उसका मेंबर बनता है, सच मेंबर शाल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ. सो ऐसी असेंबली जो डेडली वेपन के साथ है उसके मेंबर को सजा कितनी होगी, 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों. नाउ सेक्शन 145, ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स. सेक्शन 145, सो हूएवर ज्वाइन और कंटिन्यूज इन एन अनलॉफुल असेंबली नोइंग दैट सच अनलॉफुल असेंबली हैज बीन कमांडेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ टू डिस्पर्स. कभी कभी क्या होता है कि लोग एक जगह जमा हुए और जैसा ही पुलिस को पता चला कि पुलिस को लगा कि अनलॉफुल असेंबली है तो पुलिस उनको ऑर्डर करेगी, ऑर्डर पास करेगी कि यू हैव टू डिस्पर्स, आप अलग अलग हो जाओ, यहाँ से आप चले जाओ. अब ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिस्पर्सल है, ऑर्डर ऑफ डिस्पर्सल के बाद भी अगर कोई पर्सन उस असेंबली का पार्ट एंड पार्सल बना रहा, पुलिस ने ऑर्डर किया अलग अलग होने के लिए, उसके बावजूद अगर कोई उस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट एंड पार्सल होता है तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 145 में पनिशमेंट होगी. एंड सच पर्सन शाल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ. तो ऐसे पर्सन को 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकता है. यहाँ पर पुलिस ने ऑर्डर दिया उनको अलग अलग होने का, फिर भी वो मेंबर बने रहे तो उसको सजा होगी 2 साल तक की सजा, फाइन या दोनों. तो ये था अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड सेक्शंस. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.